मध्य प्रदेश में डीएपी और खाद की जो कमी जो आ रही है सामने, उसे कब तक दूर कर दिया जाएगा? लेकिन 100% किसानों को ही खाद मिला, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले जो किसान नहीं है उनको नहीं मिला, इसलिए उनके पेट में तकलीफ हो रही है। एक तरफ आप कहते हैं कि खाद और यूरिया की कमी है, केंद्र से हमें कम इसकी जो मात्रा आवंटित हुई, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में किसानों तक खाद और यूरिया की सप्लाई की जा रही है। कमी होने के बावजूद भी हमने ज्यादा किसानों को सीधे किसानों को दिया। कमल पटेल जी, बीमा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार क्या कुछ कर रही है, किसानों की हमेशा से मांग रही है? कांग्रेस जवाब दे, एक रुपया बीमा नहीं दिया था इन्होंने। अभी कांग्रेस की सरकार होती थी 9,286 करोड़ किसानों को, 47 लाख किसानों को नहीं मिलता पैसा एक रुपया। बीज निगम क्या आपके हिसाब से सही काम कर रहा है? ये बात सही है कि जो सिस्टम में गड़बड़ियाँ थी शुरू से ही, मैं कहा 60 साल कांग्रेस ने राज के पूरे सिस्टम को भ्रष्ट कर दिया। अब कृषक जो हैं और किसान जो संगठन है वो कह रहे हैं कि उन्हें MSP की गारंटी चाहिए, MSP चाहिए। MSP नहीं, हम किसान को MRP वाला बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों, उच्चतम खुदरा मूल्य क्यों नहीं? कमलनाथ सरकार ने जो किसानों के लिए काम किए, आपकी सरकार मौजूदा वक्त में वो कौन से ऐसे काम है जो आप कह सकते हैं कि आपने जो काम किया वो कमलनाथ सरकार के काम से बेहतर है? इन 13 साल में जो काम हुआ वो 60 साल की तुलना करें हम दोनों को पलवे पे बिठा दें, एक तरफ नेहरू जी से लेकर सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस के एक पलवे पे बिठा दो और एक पलवे पे मेरे अटल जी को बिठा दो, अकेले तो अटल जी का पलवा भारी है। स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? 1,00,000 करोड़ का प्रावधान किया है जिससे किसान खेती के साथ वो जो गाँव के अंदर अपने सोयाबीन प्लांट लगा सके, वो मैदा मिल लगा सके, वो बाकी कृषि जितने भी उत्पाद होते हैं उसकी प्रोसेसिंग लगा सके। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट का खास प्रोग्राम किसान फर्स्ट। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कृषि और कल्याण मंत्री कमल पटेल जी। कमल पटेल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, आपका भी आशुतोष जी स्वागत है। कृषि मंत्री जी, मध्य प्रदेश में DAP और खाद की जो कमी जो आ रही है सामने, उससे कब तक दूर कर दिया जाएगा? खाद की ब्लैक मार्केटिंग होती थी पहले, कोई लिमिट नहीं रहती थी कि जिसका मेरे पास 10 एकड़ जमीन है मैं 200 बोरी खाद 1,000 बोरी भी खाद ले सकता था, और फिर लोग उसके अंदर कई लोग जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले वो ब्लैक मार्केटिंग करते थे शॉर्टेज करके। लेकिन हमने प्राइवेट हो या सोसाइटी हो POS मशीन लगा दी जिसके कारण जिस किसान के पास जितनी ज़मीन है उतना उसकी आवश्यकता के अनुसार, मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है मुझे 2 बोरी चाहिए 2 ही मिलेगा, 10 एकड़ है तो 20 बोरी चाहिए 20 ही मिलेगा, 20 एकड़ है 40 बोरी मिलेगा नहीं तो, और उसके कारण लाइन लगी है। लेकिन 100% किसानों को ही खाद मिला, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले जो किसान नहीं है उनको नहीं मिला, इसलिए उनके पेट में तकलीफ हो रही है और वो चिल्ला चोट करके अराजकता फैलाने का काम किया। छोटे किसानों को पहली बार सीधा उनको 100% किसानों को हम खाद दिलाने में सफल हुए, नहीं तो छोटे किसानों को तो डबल रेट में मिलते थे बेचारों को जो कि उधार लेने में, और इसलिए पूरी तरह से काला बाजारी पे हमने रोक लगाई। और उसके बावजूद भी छुटपुट कहीं गड़बड़ हुई तो उस पर नज़र रखी हमने, छापे डलवाए, उन पर FIR कराई, कई लोगों पर आशंका भी लगाई। कमल पटेल जी, विपक्ष का कहना है कि एक तरफ आप कहते हैं कि खाद और यूरिया की कमी है, केंद्र से हमें कम इसकी जो मात्रा आवंटित हुई, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में किसानों तक खाद और यूरिया की सप्लाई की जा रही है। इसलिए बताया, मैंने पहले ही बताया ना कि कोरोना संकट और रेट बढ़ने के कारण जो IFFCO, UPCRPCO, IPL और ये जो है इन्होंने सौदा करने में देरी की क्योंकि रेट बढ़ रहे थे और ये डर रहे थे कि अनुदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि किसान इतना महंगा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें सत्ता परिवर्तन से हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है और हमने ईमानदारी से पूरा विकेंद्रीकरण करके बांटा है, POS मशीन के माध्यम से बांटा है, किसान भाई लेके आए उसके पास जितनी ज़मीन है उसके अनुसार उसको मिलेगा। इसलिए कमी होने के बावजूद भी हमने ज्यादा किसानों को सीधे किसानों को दिया है। कमल पटेल जी, बीमा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार क्या कुछ कर रही है, किसानों की हमेशा से मांग रही है? बीमा में कांग्रेस की सरकार रही 15 महीने, इन्होंने 1 रुपया किसानों को बीमा नहीं दिया, बल्कि बीमा नहीं दिया 18 का नहीं दिया, 19 का नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने जो प्रीमियम होता है इसके अलावा फाइनेंस वो 100% होता था बीमा, जब तक किसान KCC बनवाता ऋण लेता था उसका 100%, इन्होंने 75% कर दिया ताकि इनको प्रीमियम कम देना पड़े, ये बहुत बड़ा पाप किया। और 1 रुपया बीमा
किस्त जमा नहीं की सरकार बीमा कंपनी में, इसलिए बीमा नहीं मिला। हमारी सरकार आते से ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने एक सप्ताह के अंदर किसानों के खातों में प्रीमियम डाला बैंक बीमा में किसानों की ओर से, और उसके कारण केंद्र सरकार ने भी डाला और किसानों को हमने 3100 करोड़ बीमा स्वीकृत हुआ था, लेकिन हमने जांच करा करा कर उसको 5600 करोड़ दिया 18-19, और अब तक हमने 18-19 का दोनों मिला के जांच करा करा के 9286 करोड़ 47,67,000 किसानों के खातों में डलवा दिया पैसा, 9286 करोड़ 20 लाख। और जो बीमा कंपनी ने पोर्टल बंद कर दिया था, हमने पोर्टल पुनः खुलवाया एक साल बाद, जांच करवाई और किसानों को इतना बड़े राशि दिलाने में सफल हुए अपने आप में है। कांग्रेस जवाब दे, एक रुपया बीमा नहीं दिया था इन्होंने। अभी कांग्रेस की सरकार होती तो ये 9286 करोड़ किसानों को, 47 लाख किसानों को नहीं मिलता पैसा एक रुपया भी। बीज की लगातार कमी की शिकायतें आती हैं, बीज निगम क्या आपके हिसाब से सही काम कर रहा है? इस बीच नकली बीज और कहा जा सकता है कि अडल्ट्रेटेड बीज जो है वो भी किसानों को काफी नुकसान पहुंचा। देखिए ये बात सही है कि जो सिस्टम में गड़बड़ियां थी शुरू से ही, मैं कह रहा 60 साल कांग्रेस ने राज किया, पूरे सिस्टम को भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्टाचार की जननी अगर देश में कोई है तो कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, नहीं तो एक राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे वो कहते थे मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूँ, गांव में जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे सत्ता के दलाल का जाते हैं। तो सत्ता भी कांग्रेस की थी, पंच से लेकर प्रधानमंत्री भी राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके तो दलाल भी उनके हुए, और इसलिए देश आगे नहीं बढ़ पाया, गरीब रह गया। प्रधानमंत्री जी कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा मोदी जी ने, और इसलिए सिस्टम में परिवर्तन किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जनधन खाते खुलवाए 43 करोड़, और सीधे खातों में पैसा जा रहा है। और दूसरी बात, कांग्रेस ने जनता की समस्या समझी नहीं, या तो जानबूझकर नहीं हल करना चाहती थी, लेकिन मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जड़ में गई है कि क्या समस्या, किसान की खेती घाटे की क्यों है, उसका अध्ययन किया और उसके कारण किस कारण से घाटे की खेती होती, किसान कर्ज में रहता है जीवन भर, औलाद को भी कर्ज में छोड़ के आता, आत्महत्या करता है, या आत्महत्या ना करे, किसान कर्ज में ना रहे, किसान की खेती लाभ का धंधा बने, इसके लिए कई नियम बनाए और उसी में कई योजनाएं बनाई, जिसमें किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं छोटे किसानों को ये वरदान है, ये कर से मुक्त करने वाली है और खेती को लाभ का धंधा बनाने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने आजाद भारत के इन 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, पहली बार इस योजना से किसानों को अभी तक देश में 11 करोड़ से अधिक किसानों को अभी तक उनके खाते में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा राशि पहुँच चुकी, 2000 करके 6000, और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने हमने भी शुरू किए 2000 करके 4000, इस प्रकार एक किसान परिवार को साल भर में 10000 रुपए मिलते हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल जी, अब कृषक जो हैं और किसान जो संगठन है वो कह रहे हैं कि उन्हें MSP की गारंटी चाहिए, MSP चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है मोदी जी के नेतृत्व में, हमने MSP में कई अनाजों को बढ़ाया है, लिया है न्यूनतम समर्थन मूल्य में। MSP का निर्धारण करते समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी लागू किया है। मनमोहन सिंह जी, आज कांग्रेस बात कर रही है, पहले जवाब दो कि आपके पास 2004 में जब ये रिपोर्ट आ गई 5 में, तो आपने 10 साल तक पटक क्यों रखी उसको, क्यों नहीं लागू की? पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने उसी जो धूल खा रही थी कांग्रेस के शासन में वो रिपोर्ट, उसको निकाली और लागत का 50% जोड़कर हर फसल में जितनी लागत आती किसान को उसका 50% लाभ जोड़कर उसका समर्थन मूल्य घोषित किया, और उसके कारण 500-700 रुपए क्विंटल हर साल रेट बढ़ रहे हैं समर्थन मूल्य में, कई जींस में, कई फसलों के, और उसके ऊपर खरीदी भी कर रहे हैं हम। गेहूं और धान तो 100% खरीद रहे हैं, चना, सरसों, मसूर, मूंग, ये जितना उत्पादन होता है उसका 25% भारत सरकार खरीदती है, हमने तो प्रदेश में और ज़्यादा बढ़ा के खरीदा है, जिसके कारण किसानों को समर्थन मूल्य से रेट और ऊपर मिले। MSP नहीं, हम किसान को MRP वाला बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों, उच्चतम खुदरा मूल्य क्यों नहीं? और इसलिए
मुझे गर्व के साथ कहते हुए खुशी गर्व होता है बताते हुए कि हमने MSP से भी ऊपर रेट किसानों को दिलाने में सफल हुए हैं। इस साल चना, सरसों, मसूर ये जो मई में खरीदी होती थी उसको हमने मार्च में खरीदने करना शुरू कर दिया। जब फसल आती, गेहूं के पहले आती लेकिन खरीदी बाद में जाती थी, फिर एक दिन में 25 क्विंटल खरीदते थे वो सीमा हमने हटवाई, फिर 13 क्विंटल चना, मेरे सरसों और 15 क्विंटल चना खरीदते थे कमलनाथ जी, हमने 20-20 क्विंटल प्रति हेक्टर किया और उससे समर्थन मूल्य पे हमारे पास माल ज़्यादा आने लगा और इसलिए उसके रेट बढ़े, तो हमने 10-12 हज़ार करोड़ किसान को ज़्यादा दिलाए, ने MSP से ऊपर रेट दिलवाए। और यही हमारी सरकार किसान को लाभकारी मूल्य दिलाना चाहती है। अब हम किसान को सिर्फ MSP नहीं, हम किसान को MRP वाला, पानी की बाटल की MRP है, बटन की MRP, सुई की MRP, हर चीज़ की। तो किसान की फसल की MRP क्यों ना हो, लेकिन इसलिए नहीं होती कि किसान कच्चा माल सीधा बेचता, जैसी फसल आती बेचने चल जाता। हम किसान को उसको ग्रेडिंग, साइटिंग, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग वाला बनाना चाहते हैं, यूनिट लगवा के किसान खेती भी करे। एक बेटा उसका खेती कर रहा तो दूसरा बेटा उसकी पैकेजिंग, साइडिंग और प्रोसेसिंग करे और फिर उसके बाद में उसको बाजार में बेचे, अपना माल खुद बना के और निर्यात भी करे, ताकि जो बिचौलिया कमाते हैं वो बिचौलिया ना कमाते हुए किसान खुद कमाए। क्योंकि मेहनत तो किसान करता, खेत उसका, बीज उसका, दवाई उसकी, ठंड में, गर्मी में, बारिश में, दिन में, रात में, करंट, बिजली, सब खतरा उसको, वो मेहनत करता वो और माल कमाते थे मुट्ठी भर लोग। इसलिए मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति होकर किसान कहीं कहीं गरीब रह गया, बल्कि घाटे की खेती करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये चाहती है कि हम किसान को जितना वो अनाज पैदा करता है उसकी वो ग्रेडिंग करे, तो ग्रेडिंग करके जब एक क्वालिटी का माल बेचेगा उसको रेट ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद वो पैकेजिंग करे और उसकी प्रोसेसिंग करे और उसके बाद में बेचेगा तो अपनी MRP पे बेचेगा। तो किसान को हम खुद उद्योगपति बनाना चाहते हैं, इंडिविजुअल नहीं बन सकता, तो हम इसलिए कृषक उत्पादक समूह बना रहे हैं। उसके लिए 1,00,000 करोड़ का बजट दिया है। किसान अब खेती के साथ साथ अब वो व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी लगा सकेगा और निर्यात भी कर सकेगा। और इसलिए हमने मध्य प्रदेश में APDA का कार्यालय भी खुला लिया है। और दूसरा, प्राकृतिक खेती करने के लिए भी किसानों को हम प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि प्राकृतिक और जैविक खेती करेंगे ताकि हमारी मिट्टी भी शुद्ध रहे, उसकी उर्वरक शक्ति बढ़े। पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग के कारण हमारी मिट्टी जहरीली होती जा रही है, अनुपजाऊ हो रही है, जो अनाज पैदा हो रहा है वो भी अशुद्ध हो रहा है। स्लो पाइजन है, सब्जियों में इतनी पेस्टिसाइड डालते हैं उससे कैंसर की बीमारियाँ हो रही है, और आने वाले समय नहीं रोका तो हर घर में कैंसर के पेशेंट हो जाएंगे। और इसलिए जीवन बचाने के लिए प्राकृतिक खेती ही एकमात्र उपाय है। गोवंश आधारित खेती करना, ताकि गोबर से खाद और गौमूत्र से दवाइयाँ बन जाए, लागत भी कम आए, उत्पादन भी अच्छा हो, और जो उत्पादन हो वो स्वस्थ अनाज हो, ताकि खाद हम स्वस्थ रहें और दुनिया को स्वस्थ रख सकें और विदेशों में निर्यात करें। और मोदी जी हमेशा कहते हैं कि कोई भी संकट आता है उसको हमको चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसको अवसर में बदलना चाहिए। कमलनाथ सरकार ने जो किसानों के लिए काम किए, आपकी सरकार मौजूदा वक्त में वो कौन से ऐसे काम है जो आप कह सकते हैं कि आपने जो काम किया वो कमलनाथ सरकार के काम से बेहतर है? कि जो कांग्रेस से विधायकों ने इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में आए, तो जो 5-5 सौ से जीते थे वो 50-50 हज़ार से जीते हैं। हमने सबसे पहले, मैंने बताया ना, बीमा नहीं दिया था 18-19 का, वो हमने 9,286 करोड़ 20,47,67,000 किसानों के खातों में डाल दिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो नहीं मिलता, एक। दूसरा, इन्होंने इसके अलावा फाइनेंस भी, बीमा जो होता था, जितना किसान KCC लेता था, ऋण लेता था, उसका पूरे का होता था, इन्होंने 75% कर दिया, हमने वापस 100% किया। दूसरा, हमने किसानों को किसान सम्मान निधि दी, किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि, ये हमने दे दी 16,502 करोड़ 20,77,000 किसानों को, ये नहीं मिलता। और फसल के रेट कांग्रेस के समय समर्थन मूल्य से नीचे थे, ये 13 क्विंटल 15 क्विंटल खरीदते थे, हमने प्रति हेक्टर 20-20 क्विंटल किया। ये मई में खरीदते थे, हमने मार्च में खरीदा। ये एक दिन में 25 क्विंटल खरीदते, हमने अनलिमिटेड किया, जिससे किसानों को 12,000 करोड़ और ज़्यादा दिला दिए। और अब हम किसानों को कृषि उत्पादक समूह बनाकर इनको इतना सक्षम बनाएंगे कि वो खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी लगाएं और लाभकारी धंधा खेती बने और बेरोजगारी दूर हो। और इस प्रकार इस देश को बेरोजगारी दूर करने वाला और रोजगार देने वाला और किसान
से बिचौलिया हटाने वाला। देखिए 75 साल में से 60 साल कांग्रेस ने राज किया, 13 साल भारतीय जनता पार्टी ने, 2 साल दूसरी पार्टियों ने, लेकिन इन 13 साल में जो काम हुआ वो 60 साल की तुलना करें हम दोनों को पलवे पे बिठा दें, एक तरफ नेहरू जी से लेकर सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस के एक पलवे पे बिठा दो और एक पलवे पे मेरे अटल जी को बिठा दो, अकेले तो अटल जी का पलवा भारी है, 6 साल का कार्यकाल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कांग्रेस ने लेके आई थी। पहले कांग्रेस के 50 साल में बीमा नहीं होता था किसान का। आरबीसी 6-4 में जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने 2005 में, मैं राजस्व मंत्री बना, तब 5 करोड़ भी नहीं मिलते थे कांग्रेस के शासन में, लेकिन हमने आरबीसी में परिवर्तन किया पहली बार इन 50 सालों में, और उसके कारण 5,000 करोड़ किसानों को मिल रहे हैं आरबीसी 6-4 में। बीमा कांग्रेस के शासन में था ही नहीं, लेकिन हमने फसल बीमा योजना अटल जी लेके आए, तहसील लिखाई थी हमने, उसको पटवारी हल्का किया और उससे किसानों को 5,000 करोड़ हर साल बीमा मिल रहा है, इस बार तो 7,000 करोड़ से भी ज्यादा मिलेगा। 1 ग्राम फसल बीमा में नहीं था, हमने 1 ग्राम को भी फसल बीमा में जोड़ा। वनवासियों की जमीन जो 1 ग्राम की होती है उसका पटवारी हल्का नहीं होता, लेकिन हमने पटवारी हल्के गांव से उसको लिंक कर दिया पंचायत से, और उस प्रकार पहली बार इस साल 1 ग्राम के किसानों आदिवासियों का बीमा हुआ, तो उनको भी क्षतिपूर्ति होगी। अभी देखिए मौसम खराब हो गया, ओले गिर गए अभी राजगढ़ में, गुना में, मैंने तत्काल कलेक्टरों से चर्चा की, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, हमने कहा वीडियोग्राफी करके किसानों का सर्वे करो, एक एक किसान उसकी एक काफी किसान से पंचनामा बनवाओ, किसान और 5 किसानों का एक पंचायत में काफी दो, ताकि किसान संतुष्ट हो जाए कि हाँ मेरे इतनी आनावारी फसल नुकसानी आकलन किया गया है। एक भी किसान असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, सरकार गांव गरीब और किसानों की सरकार है, और सरकार के पास किसानों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए हम आरबीसी 6-4 में और बीमा की भी क्षतिपूर्ति कराएंगे, और वो निर्देश दे दिए। और राजगढ़ के कलेक्टर ने तो पूरा सर्वे करके भेज दिया, 7,200 हेक्टेयर के अंदर भी फसल का नुकसान हुआ ओले से पाले से, उसका आकलन भी कर लिया, हमने और निर्देश दिए कि कोई कमी नहीं, और नहीं तो कांग्रेस के शासन में कलेक्टरों को निर्देश दिए जाते थे कोई आनावारी नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, पैसा नहीं है। ये अंतर हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं सरकार के पास कोई कमी नहीं, कृषि मंत्री राजस्व मंत्री भी कहते हैं कोई कमी नहीं करी है, ये अंतर है सत्ता परिवर्तन से, वो मना करते थे इसलिए किसी को कभी कुछ मिलते नहीं था। मैंने कहा ना 5 करोड़ भी पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को कभी नहीं मिला, जो 5,000 करोड़ मिल रहा, कहां 5 करोड़ कहां 5,000 करोड़, बीमा मिलते ही था 0 और अब 5,000-7,000 करोड़ मिल रहा है, तो ये अंतर है। और अभी देखा आपने 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, 1 रुपया बीमा नहीं दिया था, हमने 9,286 करोड़ से अधिक दिए, तो ये अंतर है। और इसलिए किसान भाइयों, कांग्रेस कहती कुछ है करती कुछ है, और इसलिए कांग्रेस की दुर्गति हुई है। अब किसान भी समझ गए कि कांग्रेस धोखेबाज है, बीमा कर्ज माफ करने का कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन बदला क्या मुख्यमंत्री, खुद ही बदल गए राहुल गांधी, और भारतीय जनता पार्टी ने आते से किसानों को बीमा भी दिया, मुआवजा भी दे रहे हैं, क्षति की पूर्ति भी कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण निधि, और किसान को किसान उत्पादक समूह में 1,00,000 करोड़ जिसमें ब्याज की छूट 3% अनुदान, और अमम किसान को उद्योग भी लगवा रहे हैं ताकि किसान उद्योगपति बने और बिचौलियों को हटाकर सीधा किसान कमा, इसलिए किसान को 12,000 करोड़ ज्यादा दिलाया, और इस प्रकार किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। आपने कोरोना के संकट में देखा है जब उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय पान चाय होटल स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए, एक ही क्षेत्र खुला था सिर्फ खेती जी। किसान और मजदूर उन्होंने मेहनत की, इससे दोनों टाइम का भोजन हमको मिला, सब्जियां मिली, दूध मिला, जिससे हम जीवित है। कल्पना करो किसान भी हाथ में हाथ करके घर में बैठ जाता लॉकडाउन करके, तो इस देश के लोगों को 130-135 करोड़ लोगों को भोजन कहाँ से मिलता, सब्जी कहाँ से मिलती, दूध कहाँ से मिलता, तो जीवित कैसे रहते, और 80 करोड़ लोगों को निशुल्क 2 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खाद्यान्न दे रही 5 किलो प्रति व्यक्ति, उसके कारण दोनों टाइम का भोजन भी लोग कर रहे हैं। काम क्योंकि काम लॉकडाउन में बंद हो गया, उसके बावजूद कोरोना के संकट के कारण कई किलो बेरोजगार हो गए, उसके बावजूद भी उनको निःशुल्क दे रहे हैं। ये है किसान की ताकत, ये देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन कांग्रेस ने उनकी ताकत नहीं समझी, खाली किसान के नाम पे नारे लगाए गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबों को हटा दिया, किसान की खेती छुड़वा कर जमीन बिकवा दी, 18% ब्याज में ऋण लेते थे, ऋण पर ब्याज लेते थे कांग्रेस, हम 0% पर ऋण दे रहे हैं, सगा भाई भी नहीं देता अलग होने के बाद में 0% पर, लेकिन शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ शिवराज जी सगे भाई से ज्यादा किसानों के लिए, इसलिए किसानों के हित में गरीबों के हित में जो भी हो सकता है हम सब कर रहे हैं।
किसानों को लेकर सिर्फ आप ही की सरकार नहीं, अगर हम बात करें कांग्रेस की सरकार या दूसरी पार्टी की सरकार जहां भी होती हैं, वो तमाम वादे करती कि हम काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर ये तस्वीर क्यों हमारे देश के सामने आती है, जनता के सामने आती है कि किसान जो है वो असंतुष्ट है, किसान जो है उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और आज भी 70 साल बाद भी कहीं ना कहीं हमारे जो किसान हैं वो आंदोलन के कभी मजबूर होते हैं, या तो ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है उसके पीछे को बड़ी राजनीति है, या फिर आपको लगता है कि वाकई में अभी भी काफ़ी कुछ काम करना बाकी है, जो हमारे जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, उन तक अभी भी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। हकीकत आपके मुताबिक क्या है, आपके व्यक्तिगत अनुभव क्या है? देखिए, हमने कहा ना कि हमने सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, खाते खुलवाए, सीधे किसानों के खातों में जा रहा है, सीधे किसानों को लाभ पहुंचा रही है। बता रहा हूं मैं आपको, ये 16,502 करोड़ तो मध्य प्रदेश में, और 1,75,540 करोड़ देश के किसानों के खातों में गया, कहीं एक रुपया भी गड़बड़ नहीं हुआ, सीधे खातों में गए, किसान के खाते में गया। ये इसी के कारण अब देश बदलदार आगे बढ़ रहा है, और एक किसानों में सरकार के प्रति एक विश्वास जागा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास जागा, मुख्यमंत्री शिवराज जी के प्रति विश्वास जागा है, और इसीलिए किसान भी मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब 2022 का मोदी जी ने कहा कि हम किसान के यहाँ दोगुना करेंगे तो करेंगे, और अब इसीलिए हमने ये योजना बनाई, किसान उत्पादक समूह 1,00,000 करोड़ का उसके लिए प्रावधान किया है। और ये बात सही है कि हमारा किसान जितना जागरूक होना चाहिए उन तक योजनाएं बताना चाहिए, और इसलिए हम किसानों को जागरूक करने के लिए हम किसान मित्र बना रहे हैं, हमारे कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी को, वैज्ञानिकों को हम गांव तक पहुंचा रहे हैं। हमने कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि OPD प्रारंभ कर दी है, ताकि किसान की फसल खराब हुई वो मोबाइल करेगा, बताएगा व्हाट्सअप करके कि तक बीमारी है तो मुझे दवाई देना, उसको पहुंच जाए, ताकि किसान को कहीं भटकना ना पड़े, घर पहुंच सेवा। और इसके कारण हम किसानों को और प्रशिक्षित करके उसको इतना सक्षम बनाएंगे कि वो खुद आत्मनिर्भर बनेगा, और सारे काम जो बिचौलिए करते थे वो बिचौलिए हटा के खुद को देंगे। और इसलिए हमने मंडियों की व्यवस्था ठीक की है, अभी कोरोना काल के अंदर मंडियाँ बंद हो गई थी तो किसान फसल कहाँ बेचता, और इसलिए हमने किसानों को सौदा पर्ची के माध्यम से व्यापारियों को घर से खरीदने की अनुमति दी है। फिर घर से खरीदते थे तो किसान अपना तुलावट हम्माल खुद करता था, लेकिन एक नियम था कि तुलावटी के दस्तखत होंगे तो भी उसको हम्माली देना पड़ती, जब ही मिलता बिल तो फोरकट में हम्माली ले रहा था, उसको भी हमने कानून में संशोधन किया, तो 200 करोड़ रुपये जो अवैध वसूली होती थी उस पर रोक लगाई, वो किसान को लाभ दिलवाया, और किसान को उचित मूल्य मिले उसके लिए भी व्यवस्था की है। और ये सब काम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिससे किसान के अंदर एक विश्वास पैदा हो रहा है, किसान को उसका लाभ भी योजनाओं का मिल रहा है, और जहाँ कहीं कमियाँ उसको हमको नजर में आती है हम तत्काल दूर करते हैं। जैसे नकली बीज, नकली दवाई बाजार में मिलती है, उसमें हमने छापे डलवाए, हमने मंत्री बनते से तीसरे दिन बड़वा के अंदर छापा डलवाया, 3 करोड़ की नकली बीज पकड़ा, उस पर FIR कराई, रासुका लगवाई। इंदौर में हमने छापे डलवाए, कई नकली दवाइयों की फैक्ट्रियाँ पकड़ी, कई नकली खाद की फैक्ट्रियां पकड़ी और उसको बंद करवाए, उनकी FIR रासुका लगाई, और जिसके कारण नकली काम, गलत काम करने वाले, कालाबाजारी करने वाले में हड़कंप मचा हुआ है, और अब ठीक लाइन पे आ रही है व्यवस्था। आने वाले समय में हम किसानों को और सुविधा देने के लिए मंडियों में खाद, बीज, दवाई मंडी में ही मिल जाए किसान को। किसान अगर मंडी में आता तो उसकी क्लिनिक, उसकी जाँच हो जाए, ताकि उसकी शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई बीमारी पता लग जाए, समय पे उसका इलाज हो जाए, क्योंकि हमारा भोला भाला किसान जांच नहीं कराता और बाद में उसको तकलीफ होती जब हाथ से बाजी निकल जाती है, तो पहले से ही सब जांच उसकी 80% किसानों की हो जाए। किसान को जो सामान चाहिए घरेलू, सुई से लेकर हार्वेस्टर तक, वो मंडी में मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का, सस्ता मिले, ताकि उसको कहीं बाजार में भटकना ना पड़े, नकली चीज़ ना मिले, उसको ओरिजिनल चीज़ मिल के वो आए, ताकि बीज अच्छा ओरिजिनल मिलेगा, खाद और दवाइयाँ ओरिजिनल मिलेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, लागत भी कम आएगी, और जब उत्पादन अच्छा होगा, उसका उत्पादन बढ़ेगा, उसको रेट अच्छे मिलेंगे, इसी प्रकार किसान की आय 2 गुना और 3 गुना हो जाएगी। ये जो प्रधानमंत्री चाहते हैं उसको हमने अमलीजामा पहनाया और मध्य प्रदेश में हम शुरू कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में जो स्टार्टअप हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं, स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? इसलिए हमने बताया ना कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, MSP नहीं, वो MRP वाले बने, और इसलिए उस हमने कस्टम हायरिंग सेंटर से हम किसानों को कृषि उपकरण देते थे, अब हम किसान को प्रोसेसिंग यूनिट भी दे रहे हैं जिसमें 40% की उनको सब्सिडी भी रहेगी। दूसरा, कृषक उत्पादक समूह बनाकर एक बड़ा ग्रुप बन जाए, उनके गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हो गया, ताकि बैंक भी उनको अब गारंटी में रखकर ऋण दे सके। 3% ब्याज की छूट दी, 1,00,000 करोड़
का प्रावधान किया है, जिससे किसान खेती के साथ वो जो गांव के अंदर अपने सोयाबीन प्लांट लगा सके, वो मैदा मिल लगा सके, वो बाकी कृषि जितने भी उत्पाद होते हैं उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सके, ताकि किसान के बेटे को रोजगार भी मिले, उद्योगपति बने, गांव में रोजगार मिले और वो अपनी फसल MRP पे बेचे, निर्यात भी करे तो उसको सीधा कमाई होगी। तो जो मुट्ठी भर लोग उद्योगपति कमाते थे उनकी मोनोपाली रहती थी और उपभोक्ताओं को महंगा देते थे, उसकी बजाय किसान जब बड़े पैमाने पे होगा तो सस्ता भी होगा, तो उपभोक्ताओं को भी सस्ता मिलेगा और किसान को भी बीच में सीधा उसमें MRP पे माल मिलेगा, तो MSP की न्यूनतम समर्थन मूल्य, घाटे की खेती नहीं होगी, लाभ का धंधा बनेगी और गाँव की बेरोजगारी भी दूर होगी, किसान की आय भी बढ़ेगी, मुट्ठी भर लोगों की बजाय करोड़ों लोगों को विकेंद्रीकरण होगा पैसे का, और जब सबके पास पैसा आएगा तो सब खुशहाल होंगे, सब समृद्धशाली होंगे, और यही लोकतंत्र की मूल भावना है कि मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं, सबके लिए। लेकिन कांग्रेस ने मुट्ठी भर लोगों के लिए किया, इसलिए मुट्ठी भर लोग तो अरबपति खरबपति हो गए लेकिन देश गरीब रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन छोटे किसानों की, गरीबों की और इनकी सबकी योजना की, और इसलिए सारी योजनाएँ गरीब को ध्यान में रखते हुए की गई है, और उसके कारण अब देश से गरीबी हट रही है, बेरोजगारी भी हटेगी और भारत आत्मनिर्भर होगा, सोने की चिड़िया बनेगा और विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी हमसे खास चर्चा करने के लिए। आपने सभी पहलुओं को विस्तृत हमें समझाया और उम्मीद करते हैं कि वाकई में किसानों के लिए खेती जो है लाभ का धंधा बनेगी और योजनाओं का असल लाभ छोटे छोटे किसानों तक पहुंच सकेगा। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि बीच में जो भी गतिरोध आए, अवरोध आए, आप उसे सख्ती से निपटें और किसानों तक उनका लाभ पहुंचा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट न्यूज चैनल का किसान फर्स्ट, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ये और अच्छा चले और किसानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेक योजनाओं से रूबरू होने का अवसर मिले और किसान को मार्गदर्शन हो सके, इस दृष्टि से इस पहल का मैं स्वागत करता हूं और किसानों को भी और चैनल के प्रबंधकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इंडिया फर्स्ट में जो किसान फर्स्ट रखा है, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है क्योंकि किसान ही इस देश की रीढ़ है और इसलिए इसका किसान भाई भी इस कार्यक्रम को देखें और अपनी समस्याओं का निराकरण करें और नई नई तकनीक का उपयोग करके अपना कृषि उत्पादन बढ़ाएं। हम सब आपके साथ हैं।